आ गए अपन एक और वीडियो में। तो माइक लगा लेते सबसे पहले। चल स्मार्टी बन के। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज बेसिकली नो व्लॉग है, तो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है करके मैं एक नॉर्मल सी वीडियो आपके लिए दिखा रहा हूँ, एक रिव्यू करने का है। तो ये है एमआई का पावर बैंक 10,000 mAh का है। फटाफट बोलूँगा 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है इस पर, और इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ और 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो ये क्या, इसको क्या करना है, ये क्या कर रहा है, ये कौन सी वीडियो है। तो गाइस समझ लो, एक मेरा चैनल पे एक रूटीन चलने के लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, और साथ साथ कंटेंट के हिसाब से कुछ तो भी डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। और चलो मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चले जाओ, अगर नहीं मालूम है तो देख के लाइक करो। तो ये खोले, इसको निकाले, 1 साल की वारंटी है, इसकी रेट मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर एक अपने पास है मैनुअल, जो अपने कुछ काम करनी है, ठीक है। यहाँ पर है पावर बैंक, ये है अपना पावर बैंक, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये है इसके 2 आउट और 2 इन, देख सकते हो यहाँ पे, ये 2 आउट 2 इन है। और इसकी 10,000 mAh है, 18 वोल्ट है, अभी तो फुल चार्जिंग करके रखा हूँ मैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, सिंपली इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये है एक सी टाइप और एक है USB टाइप, जो अपना नॉर्मल था वो वाला। तो हम लोग दोनों फ़ोन में एक बार आपको दिखाता हूँ चार्जिंग करके। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे नॉर्मल वाला, ठीक है। और सी का तो मेरे पास इसके अंदर ही है, जो मैंने दुकान से लिया था, ये वाला वायर। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वाला लगाने वाले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है नॉर्मल का, इसको यहाँ पर लगा दिए। तो ये हो रहा है चार्जिंग, नॉर्मल वाला चार्जिंग हो रहा है। तो अभी मेरे पास ये वाले फ़ोन में चार्जिंग ज़रा भी नहीं है। तो ये फ़ोन जो है सैमसंग का J6 है, देख लो यहाँ पे, ये 100% बता रहा है। मैं एक सेकंड दूसरा फ़ोन लेता हूँ जिसमें चार्जिंग नहीं होगी। तो हाँ गाइस, ये वाला फ़ोन है जिसमें 55% है। तो ये वाला भी जो है ना, ये ओप्पो F11 Pro है, तो 55% है इसमें। इसमें हम लोग करने वाले चार्जिंग आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 55%। तो इस पर हम लोग करेंगे सी टाइप, और अपना जो मेरा दूसरा सेकेंडरी फ़ोन है ओप्पो का, उस पर करेंगे हम लोग सी टाइप। तो सॉरी, इसमें हम लोग करेंगे USB टाइप। तो USB टाइप करने के लिए सिंपली अपन उसको कनेक्ट कर देंगे। ये देख लो यहाँ पे, ये चार्जिंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 55% हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम हो रहा है 5:37, ठीक है, 5:37 हो रहा है। अभी हम लोग इसको नॉर्मली करने वाले, समझ लो 1 मिनट का करेंगे, 55% है, एक ही लगाया हो, और फिर उसके बाद में सी टाइप करेंगे दोनों भी। ये जो USB का पोर्ट है, मतलब जो केबल है अपना, ये अपना नॉर्मल, मतलब समझ लो कंपनी का ही है, ओप्पो का ही है, तो नॉर्मल ही है, और कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। बाकी ये जो है ना 18 वोल्ट का, समझ लो मेरे जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, Google Pixel 3 XL है वो, तो उसको कम से कम 3 बार चार्ज करता है, वो है 3400 के आसपास, उसको 3 बार चार्ज करता है। और जो ये ओप्पो का है ना, ओप्पो का ये है 5150 ऐसा कुछ, 050 है, तो इसको 2 बार कर देता है, एकदम 90% पे लाता है दूसरे वाले को, इतना तो कर ही लेता है। तो अभी 5:38 हो गया है, अपन 5:39 पे करेंगे, क्योंकि 1 मिनट का फासला रहता है ना, प्रॉपर अपन नहीं करते। तो यहाँ पे 5:38 हो रहा है, देखो यहाँ पे 5:38 पे 56 हो गया, मतलब 1 मिनट में 1% हो रहा है इस पर चार्ज। अभी क्या करेंगे अपन, अभी सिंपली सी टाइप को चेक करेंगे, क्योंकि सी टाइप भी बहुत मायने करता है। ये हो गया अपना सी टाइप, अभी इसकी इसमें देख लो चार्जिंग कितनी है, इसमें 80% है, 80% 5:38 पे अपन लगाएंगे, मतलब 40 तक देखेंगे, 1-1.5 मिनट का फासला। फिर अपन करेंगे ड्यूअल चेक। अभी ये हो गया चार्जिंग, कनेक्ट हो चुका है। एक तो मेरा ये जो वायर है ना, ये लूज़ हो गया है, ओप्पो का कनेक्टर जो है ना, वो लूज़ हो गया बैटरी का। तो आप लोग देख सकते हो, ये है अपना MI का 3i। अभी मैंने इसको 80 पे लगाया हूँ, 5:39 पे। तो बॉक्स पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है,
इसमें आपको सबसे मेन चीज़ मिलने वाली है 12 लेयर का चिप प्रोटेक्शन है, जो आपको मतलब गिरने से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। प्रोटेक्शन के हिसाब से इस पर आपको वायरस भी नहीं मिलेगा, मतलब वो दोनों तरफ से काम होता है, वायरस भी नहीं मिलेगा और साथों साथ आपके जो मोबाइल है वो सेफ़ रहेंगे। और जो इसमें स्मार्ट पावर मैनेजमेंट है, मतलब चार्जिंग का कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग किसको भी कनेक्ट कर सकते हो। मेन तो है ये मेड इन इंडिया है, आप लोग देख सकते हो मेड इन इंडिया। मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, ये मुझे मैंने आफ्टर मार्केट्स ख़रीदा, ऑनलाइन नहीं मंगाया, मेरे को ये मिला 1150 का, बोल रहा था 300-1200। अब इसका रेट बढ़ गया क्योंकि इसका सेल भी बढ़ गया करके रेट बढ़ गया है, तो आपको मैं इसका दूंगा। और साथों साथ मेरे पास दो तीन पावर बैंक है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा, वो भी अच्छे हैं लेकिन इससे अच्छे नहीं है। अब तक का सबसे बेस्ट लगा 10,000 mAh पे मेरे को मतलब रेट के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, साथों साथ आपको इस पर ट्रस्ट भी होगा, फ़ोन सेफ़ रहेंगे। तो इतनी बात करते करते 1 मिनट हो गया और यहाँ पे 81% हो चुका है। तो अभी क्या करूँगा मैं, अभी इसके हम लोग करेंगे टेस्ट, कम से कम आधा घंटा करेंगे, डुअल लगाएंगे। तो चलो करते हैं टेस्ट, मैं सेटअप करता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं ये वाले फ़ोन पे ना क्लॉक वाइज ऑन करता हूँ, जो अपना स्टॉप वॉच है। हम लोग करेंगे 30 मिनट का, जैसे कि आपको मैंने बोला था। 30 मिनट के लिए मैं अभी छोड़ने वाला हूँ लोगों को। तो ये एक होगा ड्यूअल टेस्ट करेंगे हम लोग, ताकि अपने को मालूम पड़े कि दोनों भी एक साथ चार्जिंग होने पर क्या होता है, इसका मतलब कितना स्पीड मिलता है अपने को। चार्जिंग पावर बैंक ही फुल है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करने से पहले दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला, तो गाइस ये वाला जो है ना, ये वाला फ़ोन मेरे भाई का है। तो ये फ़ोन है ओप्पो F11 Pro, इसकी कुछ 5000 तक है इसकी भी एमएच, 4500 के आसपास ही है। और ये जो है मेरा 5150 है, तो हम लोग दोनों का मतलब सेम ही आसपास का ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जो पावर बैंक है वो दोनों भी को ज़्यादा पावर करने वाला है चार्ज, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बैटरी की। तो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ नॉर्मल वाला मेरा, और यहाँ पे ये लगा दिया मैंने 81, आप लोग देख सकते हो 81 है। तो इसको 81 पे हम लोग करने वाले और इसको 55 पे करेंगे। तो कनेक्ट कर चुका हूँ मैं दोनों को, और यहाँ पे अपने दोनों भी चालू है प्रॉपर, और स्टॉपवॉच भी ऑन कर चुका हूँ।
गाइस 30 मिनट के ऊपर हो गया, 30 मिनट 48 सेकेंड। तो अपना परफॉर्मेंस सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेरे ओप्पो फोन से, तो ये 88% हो गया, 88%। कितने पे लगाए थे अपन ने? 81 पे लगाए थे, वाह 81 पे लगाए थे, ठीक है 88% हुआ। और ये देखो 80 पे लगाए थे शायद, और ये हो गया 87। तो गाइस इसका मतलब ये है कि इस पे जो पावर गई है वो कम गई है, और इस पे जो गई है वो ज़्यादा गई है, जिसका 87 हो गया और इसका 80 से 88 हो गया है, 80 से 88 हो गया, देख लो। हाँ 88। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसका हम लोग इसकी चार्जिंग देखते जो पावर बैंक की है। तो गाइस यहाँ पे पावर बैंक की जो चार्जिंग है मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रेस करने पे मालूम पड़ेगा। पावर बैंक की चार्जिंग तो पूरी बता रहा है, मतलब रहेगा ये 80% तो रहेगा ही। तो गाइस आप लोग ने देखा, ये कुछ अपना रिव्यू था। यहाँ पे इस पर ज़रा आउटपुट गम गया है करके ऐसा हुआ, या तो कनेक्शन लूज़ हो गया रहेगा इसका, लेकिन इसका बराबर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आधे घंटे में इसको 55 से 88 किया है, मतलब समझ लो 42-43% इसने चार्ज किया और इसको 10% कर लिया। तो गाइस ये था अपना इसका वीडियो, आपको अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जाओ और इसको सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो, ये भी नहीं होएगा तो इधर पे आप जाके यहाँ पे ऐसा सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो थी मेरी आज की, यहाँ से ऐसा एंगल आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये एक नॉर्मल वीडियो समझ के आप लोग इसको रख लो, अगली वीडियो अच्छी आएगी, देखेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू।